गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ्स यूनिट टू एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर्स रहते हैं 8 के बनाएंगे। तो 8 आता किसके टेबल में, 4 2 8, 4 + 2 6 रहता है और 4 - 2 2 रहेगा। तो जो 4 जो फैक्टर्स बनेंगे 2x के, तो हमें ऐसे ब्रेक करना है इसको कि इसका आंसर कितना आए, 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो जो हमारे पास रहा वो आ गया, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 से 2 को तो आंसर 2 बचेगा और बड़ी टर्म का साइन माइनस आ जाएगा। तो x को कॉमन निकाला तो x माइनस 4 प्लस 2 को निकाला तो x माइनस 4 ही आएगा। x माइनस 4 आ गया तो x प्लस 2 भी आया। तो अब हम इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो जब 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू एक बार 4 आ जाएगी और x की वैल्यू एक बार माइनस 2 आ जाएगी। तो जो जब 0 और 2 आ गया तो हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशंस निकालेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम राइट करेंगे अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको एक और फॉर्म में राइट किया जाता है बी अपॉन ए। तो जो हमारे पास जो बी अपॉन ए रहा वो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जीरो के बराबर आ गया। तो कोफिशिएंट कंपेयर किए, ए का कोफिशिएंट आता है 1, बी का जो आएगा माइनस 2 और सी का माइनस 8। तो हमारे पास माइनस बी है तो आ गया माइनस 2, ए की वैल्यू आ गई 1, ए का 1 है। तो हम जब माइनस माइनस प्लस होगा 2y1 आएगा और ये आ गया 2। तो अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो ये आता है सी अपॉन ए। हमारे पास e की वैल्यू 8, दैट इज माइनस 8 आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमें दोबारा फैक्टर बनाने हैं, हमने 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया आंसर 4 आया। 4s² 2s माइनस 2s प्लस 1 हो गया, 2s बाहर निकाला तो हमारे पास s माइनस 2s माइनस 1 बचा, माइनस 1 निकाला तो 2s माइनस 1 रहा। तो आ गया 2s माइनस 1। अब हम कंपेयर करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 बाय 2
2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब हमें राइट करना है सम ऑफ जीरोस, वो होता है b अपॉन a। हमने इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो हमारे पास b की वैल्यू है माइनस 4 और अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c अपॉन a, तो c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। 3 जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, 6x² माइनस 3 माइनस 7। हम प्रीवियस क्लास के जैसे ही दोबारा से फैक्टर बना रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कर लिया, 6x² लिखा तो 6 3 18 होता है, तो 9x प्लस 2x माइनस 9 2 18, 9 को 2 से माइनस किया तो आंसर 7। अब हमने 3x निकाल लिया, 3 2 6, x बचा 3 3 9, प्लस 2x माइनस 3 आ गया, हमने प्लस का 1 निकाला। यहां से कॉमन आता है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, इसी को हम इधर ही राइट कर लेते हैं। हम जब 2x को रिलेट करेंगे अब 2x माइनस 3 को 0 के साथ, तो x की वैल्यू आती है 3/2, एंड 3x प्लस 1 को रिलेट करेंगे तो 1/3। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसके बाद हमें राइट करना है सम ऑफ जीरोस, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए आया हमारे पास, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 7 है, माइनस इसका ए की वैल्यू 6 7/6, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। तो जो सी की वैल्यू रहती है वो हमारे पास माइनस 3 है 6, तो माइनस 3/6। हमारे पास अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम राइट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास 4u² माइनस 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहां से 4u निकाल लेंगे बाहर, तो बचेगा 4u निकाला, तो हमारे पास u प्लस 2 रहा इक्वल्स टू 0। u की वैल्यू एक बार 0 आती है, u की वैल्यू एक बार माइनस 2 आती है, तो जो सम ऑफ जीरोस रहेगा, जीरोज रहेगा माइनस बी अपॉन ए। तो अब इसमें हमारे पास बी की वैल्यू 8 आई और ए की वैल्यू 4, माइनस 2 आंसर आ जाता है हमारे पास। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आता है सी अपॉन ए। अब प्रॉब्लम वाली बात प्रोडक्ट में स्टार्ट हो गई, तो जो प्रोडक्ट है ये वाला, हमारे पास प्रोडक्ट में c की वैल्यू नहीं, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल्स टू, तो 0 अपॉन 8 दैट इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 अपॉन 4 आएगा, a की वैल्यू हमारे पास 4 है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो एज इट इज ही के जैसा है, t² माइनस 15। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से राइट करेंगे, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो हमने 15 का जो होल स्क्वायर किया और √ लगाया, वो स्क्वायर से √ कट हो जाता है, तो दोबारा से 15 आ जाएगा, तो t माइनस 15 आ गया √ एक बार, और एक बार t प्लस √15 आ गया। तो हमने क्या किया कि a माइनस b, a प्लस b किया, जब हम दोनों के कॉफिशियंट्स जो कंपेयर थे वो करेंगे, तो t की वैल्यू एक बार
प्लस की आएगी एक बार, माइनस की आएगी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। हम इक्वेशन को और फॉर्म में राइट कर लेते हैं, टी स्क्वायर जीरो टी माइनस 15 प्लस, तो हम लिख लेंगे क्या सम ऑफ जीरो। तो हमारे पास सम अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारे पास सम रहता है बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू जीरो आती है, ए की वैल्यू वन, दैट इज जीरो। अब प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहता है सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट क्या आ गया माइनस 15 अपॉन वन, तो ऑलमोस्ट 15 के रहा, माइनस 15 के रहा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो फिफ्थ भी ओवर हो गया। हमारे पास जो बचता है वो इसी का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इस क्वेश्चन को भी 3x² x 4, तो 3 4 12 होता है, हमने लिखा 3x², तो हम इसका बनाएंगे प्लस 3x - 4x - 4। तो यहाँ से अगर 3x बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 3 + 1, अगर -4 निकालता हूँ तो x + 1, 3x बाहर निकाला x + 1, -4 निकाला x + 1, x + 1 ही बाहर निकाल दिया तो -4 जीरो के बराबर, x की वैल्यू एक और -3 आती है, x की वैल्यू एक और -3/4 आएगी। तो जो आंसर आ गया हम सिंपल सा निकाल लेते हैं, सम क्या आएगा सम ऑफ जीरोस जो रहेगा हमारे पास अब -b/a, तो -b/a कितना रहता है, b की वैल्यू क्या है, -1 है, बाहर माइनस था 3, दैट इज 1/3। अब प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a रहता है, तो दैट इज -4/3। अब हम चेक कर लेते हैं अगेन से, कुछ हम अलग चेक करेंगे। अब जो सम रहेगा, सम को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी कोरिलेट कर लेते हैं, और जो हमने आंसर्स लिखे वो सही आ रहे हैं कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा लिखा तो ये अल्फा होता है, ये बीटा। -1 + 4/3 राइट करूँगा, तो -3 + 4/3 जो बड़ी टर्म आई, तो जो हमारा ये वाला आंसर है और ये वाला क्या है बराबर, सम के आंसर क्या है बराबर। प्रोडक्ट चेक करते हैं, प्रोडक्ट अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना, -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये 3, ये वाला आंसर और ये वाला भी क्या है बराबर। तो हम इन क्वेश्चंस को साथ में चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी राइट करना है तो ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और यह क्वेश्चन को यहाँ पे भी ख़त्म किया जा सकता है। तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो गया। थैंक यू।